अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका। मैं सर, जिसका नाम है डिजिट कैड इन कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको एक वेस्ट फेसिंग 2 BHK हाउस कंस्ट्रक्शन ऑन साइड पे आपको वॉक थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्टली आपको पूरा इनसाइड से पूरा टोटली मैं आपको शो करूँगा। ये देखिए फ्रंट साइड पार्किंग है, जो आपको 10 फीट बाई 15 फीट आपको क्लियरली पार्किंग का एरिया मिल रहा है। आप इजीली आप यहाँ पे कार वगैरह पार्क कर सकते हो। और इस तरफ यहाँ पे आपको 2 डोर दिख रहे होंगे, एक मेन डोर है जो हॉल में आने के लिए, एक सिट आउट का है। और यहाँ पे फ्रंट साइड थोड़ी सी साइड बैक इनसाइड अंदर लिया गया है, थोड़ी बाउंड्री वॉल। तो ये सिट आउट का डोर है, मैं आपको इनसाइड से आपको बताता हूँ। ये देखिए सिट आउट है, जो आपको 7.5 फीट बाई 9.5 फीट का आपको ये सिट आउट मिल रहा है। और इसमें यहाँ पे वॉल के अंदर ही यहाँ पे एक वार्डरोब लिया गया है जो कंसील्ड है, जो 9 इंचेस का है। और इस तरफ ये डोर है डायरेक्टली आपको हॉल में आने के लिए। और यहाँ पे एक विंडो है सिट आउट में, जो स्टेयर के इसके पास आपको मिलेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा छज्जा लिया गया है, आप चाहे तो इस तरफ इन्वर्टर वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे ये जो टी कोड देख रहे हो, ये मेन डोर है जो हॉल में आने के लिए, जो 5 फीट का लिया गया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चाहे तो ऑनसाइड पे ले सकते हो। तो इनसाइड आने के बाद में आपको हॉल लगेगा। हॉल का डायमेंशन देखिए, 15 फीट 6 इंच बाय ऐसे में 11 फीट 6 इंच का आपको क्लियरली ये हॉल मिल रहा है, काफ़ी कंफर्टेबली। और यहीं पे इसका विंडो है जो फ्रंट साइड आपको आ रहा है, इसके ऊपर ही आप वेंटिलेटर लेना चाहे तो ले सकते हो। इस तरफ आपको एक ओपनिंग और एक डोर दिख रहा है आपको। ये डोर जो है ये बेडरूम का डोर है, जो अटैच डब्ल्यू सी आते हैं, दोनों बेडरूम अटैच है डब्ल्यू सी। तो इस बेडरूम का आप देखिए, इसका डायमेंशन 10.5 फीट बाई 10.5 फीट का ये बेडरूम है। साथ ही साथ यहाँ पे बाथरूम के ऊपर यहाँ पे यूज़ के लिए अटाला लिया गया है। और यहाँ पे एक विंडो है इस साइड, और यहाँ पे एक बाथरूम है फ्रंट साइड ही, जिसका डायमेंशन 7 फीट बाई ऐसे में 3 फीट 9 इंच का ये अटैच डब्ल्यू सी बाथ है इस मास्टर बेडरूम में। और इस तरफ आप चाहे तो सिंक वगैरह लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और यहीं पे इसका एक विंडो है बैक साइड, बैक साइड 1 फीट साइड बैक छोड़ दिया गया है एज़ पर क्लाइंट के हिसाब से। और इन साइड भी छज्जा लिया गया है 9 इंच के वॉल में, थोड़ा सा कंसील वार्डरोब भी लिया गया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस साइड आपको ओपनिंग के इन साइड आने के बाद में आपको एक कॉमन कॉमन बाथरूम आपको लग रहा है फ्रंट साइड। राइट साइड में बेडरूम है जो अभी क्लोज है, उसमें मटेरियल बहुत सारा पड़ा है। उसका भी डायमेंशन आपको क्लियरली बताता हूँ, 10.5 फीट बाई 10.5 फीट का वो क्लियरली बेडरूम है। साथ ही साथ टॉयलेट भी अटैच है वही सेम बेडरूम का डायमेंशन के हिसाब से। और ये अटैच डब्ल्यू सी बात है कॉमन, आप चाहे तो सिर्फ बात भी यूज़ कर सकते हो। ये किचन है, किचन आपको 7.5 फीट बाई ऐसे में 9.5 फीट का आपको किचन मिल रहा है। यहीं पर किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह आप चाहे तो ले सकते हो। और यहीं पर विंडो वगैरह है, और यहाँ पे एक डोर है जो डायरेक्टली आपको यूटिलिटी में आने के लिए है। और यहाँ पे छज्जा लिया गया है इस तरफ किचन के फ्रंट साइड में। और इस तरफ बाथरूम के ऊपर 7 फीट के ऊपर स्लैब डाल के इसके ऊपर का एरिया यूज़ में लेने के लिए अटाला लिया गया है। और यहीं पे वेंटिलेटर भी है इस बाथरूम का। और ये 1.5 फीट सेट बैक है, सॉरी 3 फीट ये बैक साइड सेट बैक है। और इस लैंडिंग के नीचे एक कॉमन आपको टॉयलेट मिल रहा है एक्स्ट्रा में। और यहाँ पे थोड़ा सा आउटसाइड भी स्टोरेज के लिए आपको यहाँ ओपनिंग छोड़ दिया गया है थोड़ा सा, उस तरफ भी आप चाहे तो स्टोर कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसके स्टेरगे से ऊपर जाके टेरेस का थोड़ा सा आपको व्यू बताता हूँ। स्टेरगे से आपको क्लियरली 6 फीट क्लियर इन टू इनर मिल रहा है। इस प्लॉट को 2 तरफ रोड है, तो एक कॉर्नर प्लॉट है। और इसका प्लान ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में शो किया है PDF, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि उस प्लान के हिसाब से ये ऑन साइड पे कैसा कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो आप उसको देखना ना भूलें, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी जाके ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे देखिए सर, PDF पैरापिट भी आपको क्लियरली दिख रहा है, सिंपल में पैरापिट लिया गया है जो काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। और इस तरफ 7 फीट की हाइट लिया गया है इस कॉलम को, ताकि इनकेस बाद में इसको कंटिन्यू करने के लिए इजी रहेगा। और यहाँ पे हेडरूम भी आप देख सकते हो, ये भी कंप्लीट है। इसके इनसाइड से आपको टीन यूज़ किया गया है, थोड़ा सा स्लोप देखें, आउटसाइड से महसूस नहीं होगा ये टीन शेड है वगैरह।
तो चलिए मैं आपको नीचे से आपको फ्रंट एलिवेशन इसका शो करता हूँ। तो आपको मैं वॉल थ्रू तो शो कर रहा हूँ, ये वेस्ट फेसिंग हाउस का 30x40 का। तो आप इसके PDF प्लान ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि वो प्लान के हिसाब से ऑन साइड पे ये कैसा बना है। तो इसमें डिटेल भी मिल जाएगा आपको, हर चीज़ रूम का, हर चीज़ डायमेंशन का। तो आप उसको ज़रूर देखें। तो ये देखिए फ्रंट साइड, फ्रंट साइड इसमें जो सिर्फ इसमें ब्रिक वर्क में ही थोड़ा सा ऑफसेट लेके इसको पैटर्न दिया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अभी प्रेजेंट तो इसमें आपको उतना हाईलाइट नहीं हो रहा, जब इसका पेंट हो जाएगा तो आपको बहुत बेहतरीन क्लियरली हर चीज़ उठ के दिखेगी, ये जो हाईलाइट दिख रहा है आपको। ब्रिक वर्क देख सकते हो आप प्रेजेंट, अभी भी इसमें भी आपको शो हो रहा है कि किस टाइप का ये बना है। यहीं पर इसका मेन गेट है और यहाँ पर भी एक रोड है। इस तरफ आपका हेडरूम का वगैरह सब इसका एलिवेशन देख सकते हो, उसका बाउंड्री वॉल का भी आप चाहे तो देख सकते हो, उस तरफ पैरापिट का भी आप चाहे तो देख सकते हो। उस तरफ ग्लास वर्क आएगा उस हेडरूम के पास, जो ओपनिंग देख रहे हो आप पैरापिट का, हर चीज़ इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, काफ़ी खूबसूरत। जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो भी पूरा इंटीरियर के साथ में आपको अंदर क्लियरली शो करूँगा पूरा पेंट होने के बाद में। तो फिलहाल के लिए बस इतना इसको देखिए, उम्मीद है ये भी आपके काम में कुछ ज़रूर आएगा। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। पसंद आए तो उसको प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपका कोई सजेशन वगैरह देना चाहे तो दे सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।